ओके तो गाइज यार यहाँ पर पोस्टर लग चुके हैं यार। देख रहे हो मेरे ट्यूशन के, फ्रैंकलिन ट्यूशन वाला, कितने अच्छे लग रहे हैं यार। सही में माँ कसम मजा आ रहा है देखने में भी। जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो यार, कितना खूबसूरत लग रहा है सब कुछ। और गाइज यार देखो इस तरफ भी लगा है तुम्हारे भाई ने, देखो वहाँ पर एक और सब्सक्राइब लाइक है ना, मस्त चीज यार। पहले मैं मेरे घर पर ट्यूशन लगाता था, पर यार घर पर बताऊँ क्या प्रॉब्लम थी, वहाँ पर इतनी भीड़ नहीं थी। मेरा घर पहाड़ों के अंदर, वहाँ पर असल में बताऊँ कैसे लोग रहते हैं, वहां पर असल में सारे बूढ़े लोग रहते हैं जो रिटायर हो चुके हैं। और गाइस यार वहां पर बच्चे बच्चे नहीं आते थे ज्यादा पढ़ने के लिए। तो गाइस अब तुम्हारा भाई माइकल के घर में ट्यूशन लगा रहा, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है और यार आसपास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो भाई ट्यूशन पे भीड़ लगी रहेगी। तो चलो गाइस यार ट्यूशन शुरू करने का टाइम हो गया। तो गाइस यार ये रहे मेरे स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों? गुड मॉर्निंग सर। अब तुम लोगों के मुंह में दही जमी हुई है जो सिंचाई के अलावा कोई मेरे को विश ही नहीं कर रहा है। अरे काहे का विश करे सर, आज तो दिमाग ही खराब हुआ पड़ा है। क्यों, आज क्या दिमाग खराब हुआ पड़ा है? अरे सर भूल गए क्या, पेरेंट्स मीटिंग आज। ओहो आज तो पेरेंट्स मीटिंग है यार, मैं तो भूल ही गया था, अच्छा तूने याद दिला दिया। अरे ये पागल है सही में, मैं तो सर को बुलाना चाहता था कि आज पेरेंट्स को ना बुलाए, और इसने याद ही दिला दिया कि आज पेरेंट्स मीटिंग है। तू सही में पागल है। अरे माफ करियो भाई, मैं भूल गया था, सॉरी। हाँ चलो चलो, अब तो भाई कुछ भी हो गया, अब तो मुझे याद आ गया तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाना है आज। हाँ मैंने सबको यार पर्ची भी पहुंचवा दी थी। और गाइस यहाँ पर देखो तुम्हारे भाई ने खुद की किताब छपवाई है, जितने भी पेरेंट्स आएंगे सबको अपनी किताब दे दूंगा और भाई मोटे पैसे कमाऊंगा। भाई भाई तुम्हारा भाई बिजनेस का तो पूरा ध्यान रखता है सही में। और गाइस यार देख रहे हो यहाँ पर मैंने केमिस्ट्री की सारी चीजें मंगा ली है, जिससे यार पेरेंट्स को लगा कि मैं इनको काफी चीजें सिखाता हूँ, पर मैं ऐसा कुछ भी यूज नहीं करता हूँ। चलो मैं जल्दी से तुम्हारे पेरेंट्स को फोन करके बुला लेता हूँ। आला सर जी, सर जी क्या हो गया स्पाइडरमैन? आला सर जी थोड़े अच्छे नंबर दे देना, मेरे पापा मारेंगे अगर गंदे नंबर आए तो, प्लीज। हैं अच्छे नंबर दे देना। भाई तूने मेरे लिए किया क्या है जो मैं तेरे को अच्छे नंबर दूं? आइला सर अगर आप अच्छे नंबर दोगे ना तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आज शाम तक मैं आपको 10,000 रुपये और लाके दूंगा। कहीं से क्या बोल रहे, 10,000 रुपये लाके देगा? आइले सर आपकी फीस 2,000 रुपये ट्यूशन की, मैं आपको 10,000 लाके दूंगा। ओके ओके अब मैं सोच सकता हूँ तेरे को अच्छे नंबर देने की। अरे सर मेरी भी सुनो ना फिर तो। अरे हाँ वेनसडे की बेटी बोलो क्या? अरे सर मुझे भी अच्छे नंबर देना, क्योंकि मेरी मम्मी को है ना 100 में से 100 अच्छे लगते हैं। अरे सर जी मेरी मम्मी चुटिया घुमा घुमा मारेगी अगर मेरे गंदे नंबर आए तो। ओके वेनसडे, वैसे तुम्हें डरने की बात नहीं है, तुम काफी अच्छे सिंसियर स्टूडेंट हो, तुम्हें डरने की बात नहीं है। अरे सुमित भैया, सर सर, अरे हाँ सुमित सर, अरे सुमित भैया मैं नहीं डरता, ठीक है ना, चाहे कुछ भी बोल देना। वॉइस ऑफिस में तो अलग ही लेवल एटीट्यूड है। चलो तुम लोगों की अटेंडेंस ले लेता हूँ जल्दी से। सिंचैन प्रेजेंट सर, फ्लैश के बेटे प्रेजेंट, बेबी आल प्रेजेंट सर, सोनिक के बेटे प्रेजेंट सर, और बेबी वेनेडे प्रेजेंट सर, और लास्ट में बसता है स्पाइडरमैन आइला प्रेजेंट सर। ओके सभी लोग प्रेजेंट है तो चलो। और हाँ सबसे मेन चीज, तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाकर उनसे अनबॉक्स करवाने वाले ये खतरनाक वाले टीवी स्क्रिप्टी मैन लकी बॉक्स, इसके अंदर कुछ ज्यादा ही खतरनाक चीजें निकलने वाली। देखो यार यहाँ पर स्पीकर मैन छप रहा है। अरे समित भैया ये कब मिलेंगे, कुछ करना पड़ेगा क्या इसके लिए? हाँ इसके लिए तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस के सही जवाब देने पड़ेंगे, जब ही तुम्हारे पेरेंट्स को मिलने वाले ये खतरनाक वाले लकी बॉक्स, इसके अंदर कुछ भी निकल सकता है। तो चलो जल्दी से अपने माँ पापा को फोन मिलाओ और जल्दी से उनको यहाँ पर बुला लो, लेट्स गो। ओके तो गाइस यार यहाँ पर सभी लोगों के पेरेंट्स आ चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आए हैं सिंचैन के पापा। अरे भाई सब सिंचैन के पापा तो सभी बहुत ज्यादा लंबे हैं, और इसका बेटा देखो कितना छोटा सा है। अरे समित भैया ऐसे मत बोलो, ठीक है ना, बताइए सिंचैन के पापा मेरे बेटे के कैसे नंबर आए? सबसे पहले तो मैंने ये बताओ, आपके बेटे के नंबर, आपके बेटे के नंबर बिल्कुल आपके बेटे की तरह आए हैं। मेरा बेटा तो हीरा है, हीरा नहीं, हीरे जैसे नंबर तो इसको आए नहीं है। चलो मैं इसके नंबर जब बताऊंगा, अगर ये क्वेश्चन का सही जवाब देगा, मतलब आप इसका सही जवाब देंगे, क्योंकि आपका बेटा तो मेरे पास पढ़ता ही है, देखते हैं आप कितने ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि यार बच्चों के पेरेंट्स को भी नॉलेज होनी जरूरी है। पापा मेरा फ्यूचर आपके हाथ में है, प्लीज ढंग से जवाब दे देना, कहीं बैंड बच जाए। हाँ ये बात सही कही आपके बेटे में, ये बात सही कही आपके बेटे ने, इसका फ्यूचर आपके हाथ में। तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, तो आप मेरे को ये बताइए, पानी होता है ना पानी, पानी का केमिकल नेम क्या है? अरे क्या क्वेश्चन पूछ लिया, मेरे पापा तो इतने पढ़े लिखे ही नहीं है, ये कहाँ से जवाब देंगे। अरे इतना आसान क्वेश्चन, H2O। सही जवाब, आपको पता कैसे कि इसका आंसर H2O है? मेरे को भी थोड़ी बहुत आती है केमिस्ट्री, इसलिए मुझे पता है कि H2O कहते हैं।
नाइस 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 पाइस, अब यहाँ पर तेरे पापा ने सही जवाब दिया है सिंचन। अबे इतने मजा आ गया, चलो यार आपको सबसे पहला मौका मिलता है लकी बॉक्स खोलने का। अरे पापा बस तरीके से खोलना। मेरे बेटे तेज खोलूंगा, तेज ये वाला खोलूंगा मैं। हाँ पापा तेज मारना। ठीक है मेरे बेटे, ये मरा ये। ओ गाइस यार देखो, यहाँ पर सिंचन के पापा बन चुके मैं का टीवी मैन। अरे पापा आप तो कमाल लग रहे हो। अरे मेरे बेटे कमाल तो मैं हमेशा ही देता। ओ गाइस यार देखो कितने ज्यादा कूल लग रहे हैं यार ये। ए, मेरे बेटे देख रहा है। अरे पापा हवा में क्यों उड़ रहे हो। अरे वाओ इसमें क्या खतरनाक वाली पावर है, माशाल्लाह मजा आ गया, मैं आया घूम के। अरे पापा कहाँ जा रहे हो, पेरेंट्स मीटिंग खत्म नहीं हुई अभी। अरे बेटे मजा आ रहा है, बॉल की तरह खेल रहा हूँ मैं तो। ओ बेटे बहुत मजा आ रहा है। अरे पापा आ जाओ इधर पर जल्दी से, कहाँ जा रहे हो। ओ भाई साहब यार यहाँ पर भाई सिंचन के पापा मजे लेते हुए। बेटे अभी आया वापस। तो यहाँ पर आप दोनों बाप बेटे होते हैं पास, वो भी कम से कम 90 नंबर से। वाओ मेरी 90% बनी, मजा आ गया। वाह मेरे बेटे। ओके तो गाइस यार अब बारी आती है फ्लैश के पापा की। अरे पापा मुझे नजर नहीं आ रहा कुछ भी, हाथ हटाओ। अरे सर कितने नंबर आए मेरे बेटे के। आपके बेटे के नंबर, आपके बेटे के नंबर आए हैं 100 में से 90। अरे सर आप कितनी महंगी फीस लेते हैं, उसके बाद भी सिर्फ 90 बनवाई मेरे बेटे की। अरे सर 90 तो बहुत ज्यादा अच्छे नंबर होते हैं, इसमें तो 3 बच्चे पास हो जाते हैं। अरे ठीक है चलिए चलिए, आपको अब लकी बॉक्स खोलने को मिलेगा। उससे पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए जल्दी सी। सबसे ज्यादा तेज क्या चीज है, साउंड ज्यादा तेज ट्रेवल करती है या फिर लाइट। अरे सर ये तो आसान है, बहुत ज्यादा लाइट ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करती है, क्योंकि हम तो फ्लैश फैमिली है ना, हमें तो लाइट के बारे में तो सब कुछ पता है। अरे बढ़िया बिल्कुल बढ़िया। अरे सर अपने थोड़ा सर थोड़ा अपना बड़ा जगह पर ट्यूशन लगाइए, हमारे जैसे पेरेंट्स देखो कहाँ से जाए, कितना छोटा है। अरे सर अभी बजट टाइट है, प्लीज प्लीज अभी आप जाइए। तो गाइस यार यहाँ पर देखो यार फ्लैश के पापा अनबॉक्स कर रहे हैं। ओह गाइस यार यहाँ पर देखो यार फ्लैश के पापा तो बन चुके खतरनाक वाले प्रोजेक्टर मैन। तो गाइस यार देखते हैं आखिर ये क्या कर सकते हैं। ओह गाइस यार ये तो देखो खतरनाक वाली लेजर मार सकते हैं। ओह माय गॉड अरे ये क्या कर रहे सर। अरे सर मैं खुद अपने दोस्त के घर पर ट्यूशन लगा रहा कि आप उसके घर को तबाह कर रहे हैं। अरे सॉरी सर। ओह माय गॉड यार इनकी पावर तो बहुत ज्यादा इनसेन है। ओह भाई साहब इन्होंने तो भाई भाई शहर के अंदर तबाही मचा दिया। अरे सर पुलिस आ जाएगी, जल्दी से वापस आ जाइए यहाँ पर। गाइस यार यहाँ पर बच्चे छोड़ी उनके पेरेंट्स से आतंकवादी बन रहे हैं। तो गाइस यार यहाँ पर आ चुके हैं सोनिक के पापा। और गाइस यार सोनिक के पापा तो कूल ड्यूड है यार पूरे। ये सोनिक तेरे पापा तो चश्मे लगाते हैं। अरे इसे क्या ही बताऊं, मेरे पापा बहुत ज्यादा कूल है। कूल ड्यूड सोनिक, बताओ मेरे बेटे के कितना नंबर आया है। आपके बेटे के कितने नंबर आए हैं, आपके बेटे के तो क्या ही बताए, क्लास के अंदर टॉप नहीं किया है इसने, इसके सिर्फ 40 नंबर आए हैं। अरे बेटे मेरे बेटे को 40 नंबर, ओह माय गॉड। हैं 40 नंबर तो बहुत गंदे नंबर है सर, क्या आप अपने बेटे की बड़ाई कर रहे हैं। अरे मेरा बेटा पास ही हो गया, मुझे इसी चीज का यकीन नहीं है, क्योंकि मेरे घर में सब लोग छपरी हैं, कूल ड्यूड है, किसी को पढ़ने में मजा नहीं आता, पर मेरा बेटा पास हो गया, मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अरे सर जी क्वेश्चन तो पूछ लेने दीजिए। अरे नहीं नहीं मेरा बेटा पास हो गया यही बहुत है। ओ यहाँ पर गाइस यार सोनिक के पापा तो बन चुके हैं ट्रैफिक मैन। ओ भाई कितने ज्यादा बड़े हैं। अरे मेरे पापा तो ट्रैफिक वाले बन गए। अरे अरे सर आपको ट्रैफिक को सही करना है, ना कि गाड़ियों को एक दूसरे के ऊपर तहस तहस कराना है। अरे सर क्या कर रहे हैं आप सर। अरे सर क्या कर रहे हैं आप। अरे सर रेड लाइट मत दिखाइए, ये रेड लाइट नॉर्मल रेड लाइट नहीं है। ओह नो यार सर ने रेड लाइट दिखा दी चारों तरफ, यार ये कोई नॉर्मल रेड लाइट नहीं थी, ये असल में खतरे की घंटी रेड लाइट है। सर वापिस आ जाए इससे पहले कि यार पुलिस वाले मुझे उठा के ले जाए कि मैं यहाँ पर इलीगल लकी बॉक्स खुलवा रहा हूँ पेरेंट्स से। ओह भाई सब सेमी यार बहुत ही ज्यादा भयानक पेरेंट्स है यहाँ पर। ओके चलो आगे कौन है। हेलो सर जी मैं मेरे पापा को अच्छे नंबर बताना, ठीक है सर जी। अरे तेरे पापा बगल में खड़े, वो सुन सकते हैं, बताइए सर। हमारे बेटे के कितने नंबर आए हैं सर।
अरे यार आपको तो बहुत तेज खांसी है, तो चलिए मैं आपके बेटे के नंबर बता देता हूँ। आपका बेटा सही में पढ़ता तो बहुत अच्छा है, मैं आपको क्या ही बताऊँ, पर ये एक गलती कर देता है, जिन लोगों के साथ ये बैठता है ना वो लोग बिल्कुल निकम्मे हैं। सर मतलब ये नालायक है ना, आप यही कहना चाहते हैं? सर ये नालायक नहीं है, पर ये नालायक लोगों के साथ बैठता है, ये पीछे वाली बेंच पे बैठता, आगे तो ये बैठता ही नहीं है। आइए सर, ये क्या बोल रहे हैं आप मेरे पापा को? हाँ सर जी ऐसे ही होता है सर जी। आइए सर यहाँ पर आप मेरी बुक्स देखिए, ये बुक्स आपको अपने बेटे को सुधारने में मदद करेगी, आखिर कैसे बना जाए एक काबिल बाप। अरे सर आपने मेरी आंखें खोल दी, सर शुक्रिया। अरे सर क्या ही बोले, जाने से पहले एक लकी बॉक्स खोल लीजिए, जल्दी से मुझे क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए प्लीज। आखिर सर ये बताइए, जो हमारी धरती है अर्थ है, उसका शेप क्या है? अरे सर वो तो अंडे जैसी है। नहीं सर आपको अच्छे से जवाब देना है। अरे सर मेरी मम्मी ने बताया था ओवल शेप है, ओवल शेप। ओ नाइस सर आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, ओवल शेप। अपना लकी बॉक्स खोलिए। ओके तो गाइस यार यहाँ पर अंकल जी खोलने वाले हैं छोटा वाला लकी बॉक्स, देखते हैं इनको क्या मिलता है। ओ गाइस यार अंकल जी तो 300 स्किविडी टॉयलेट बन गए। गाइस यार ये तो सही में बहुत ज्यादा फनी हो गया। अरे मुझे ये क्या बना दिया? अरे क्या ही बताइए अंकल जी, आपका बेटा जैसा कर्म करेगा वैसा ही आपको मिलेगा, इसलिए अपनी औलाद को सुधारिए। अरे मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, घर जाकर मारूंगा बहुत ज्यादा। आइला तुमने मेरी बैंड बजवा दी जेमी। अंकल जी। अरे वेनेसडे की मम्मी जी राम राम। राम 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 राम, पता है मेरी बेटी के नंबर? आपकी बेटी तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसके तो 100 में से आए हैं 97 मार्क्स। क्या 97 सर? अरे मैडम जी क्या हो गया, 97 मार्क्स आपकी बेटी के? अरे सर क्या बताऊं, मेरी बेटी के 100 मार्क्स नहीं आए। अरे मैम 97 भी काफी अच्छे नंबर है, बहुत अच्छे नंबर आपकी बेटी के, सच्ची बता रहा हूँ मैं। चलिए चलिए आपको लकी बॉक्स खोलने के लिए देते हैं। चलो आप मेरे को ये बताइए, आप मेरे को कोई, ठीक है सर मैडम जी आप एक छोटा सा अंतर दीजिए, मेरे को ये बताइए 10 × 10 कितना होता है? अरे सर अगर मेरी बेटी के 100 नंबर आए होते। एकदम परफेक्ट आंसर, 10 × 10 होता है 100, आपने बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया है। अरे मैं तो मेरी मम्मी मेरी बेटी के नंबर बता रही थी। अरे कोई बात नहीं, पर आपने कैसे भी अनजाने में सही आंसर दे दिया। चलिए लकी बॉक्स खोलिए। तो गाइस यार यहाँ पर वेनेसडे की मम्मी जा रही है खोलने के लिए लकी बॉक्स, देखते हैं इनको क्या मिलता है। ओके यहाँ पर जल्दी से इसको खोला। यहाँ पर गाइस यार देख रहे हो वेनेसडे की मम्मी चेंज हो चुकी है टीवी गर्ल के अंदर। ओह माय गॉड टीवी गर्ल तो बहुत ज्यादा खतरनाक है गाइस। अरे मैं चेक करती हूँ मेरी क्या पावर्स है। ओ गाइस यार यहाँ पर देखिए वेनेसडे की मम्मी की पावर्स। ओ भाई साहब हाथों से लेजर्स मार सकती है, काफी खतरनाक। ओ भाई साहब ये तो मिसाइलें भी चला सकती है, भाई तीखी तलवार है वेनेसडे की मम्मी। यार ये सैमी खतरनाक पावर है यार, बहुत ज्यादा यार, क्योंकि टीवी गर्ल सैमी बहुत ज्यादा पावरफुल है। देख रहे हो यार इन्होंने तो पूरे पूरे लॉस सैंटोस को चकनाचूर कर दिया। और देखिए ले वेनेसडे की मम्मी आपके पास क्या क्या है। आखिर में आते हैं हमारे हल्के पापा जी, बताइए हल्के पापा जी कैसे हैं आप? हल्के पापा को कुछ जानना नहीं, हल्के पापा को ये जानना है कि उसका बेटा पास हुआ या नहीं। अरे आपका बेटा पास तो हो गया। हल्का बेटा पास है, हल्का बेटा बहुत ज्यादा खुश है, मतलब हल्का पापा बहुत ज्यादा खुश है। अरे पापा आपकी पैंट खुली है। हल्के पापा की हल्की पैंट खुली रहने दे, पर हल्का बहुत ज्यादा खुश है। अरे सर 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 जाने से पहले एक लकी बॉक्स तो खोल जाइए। बताओ क्या लकी बॉक्स खोलना है, क्या है तुम्हारा क्वेश्चन? हल्क सबके जवाब देगा। सर बस आपको मेरे को ये बताना है कि आपको ये जवाब देना है कि गोल्ड ज्यादा महंगा या फिर डायमंड। हल्के पापा को जवाब पता है, डायमंड की कीमत ज्यादा है अगर रेयर हो तो। ओ भाई साहब आपने बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया, शाबाश। चलिए आपका लकी बॉक्स खोलने का टाइम हो गया। हल्के पापा के लिए हल्क की तरह खतरनाक वाला लकी बॉक्स होना चाहिए। अरे बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके लिए मैंने स्पेशल मंगाया है, सबसे बड़ा वाला। हल्क को मजा आया, हल्क इसे अब खोलेगा। हाँ खोली खोलिए। तो लेट्स गो गाइस, देखते हैं इनका क्या निकलने वाले। ओ भाई साहब यार ये तो फोड़ दे जल्दी सी। अरे हल्क जी क्या कर रहे हैं आप, में तो दम सम होना चाहिए ना खतरनाक वाला। ओ गाइस यार देख रहे हो हल्क के पापा जी देखो क्या बन गए, भाई ये तो खतरनाक वाली कैमरामैन बन गए भाई। ओ भाई देख रहे हो ये तो खतरनाक वाली लेजर्स भी मारते भाई, ये भी कमाल है भाई, सही में कमाल है यार, ये चीज बहुत तेज है भाई, बहुत तेज, मजा आ गया भाई देख के। हल्क को मिली खतरनाक ताकत,
अरे बस 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 जाना तबाही मत करिए यार, वापिस आ जाइए। ओ भाई साहब ये भी बहुत है उस समय, भाई साहब सबको तबाह करते जा रहे। भाई क्या लकी बॉक्स निकला है जमीन का यार, मजा ही आ गया देख के यार। और इनका सूट देखो, इनके इसके पीछे शायद शील्ड भी है यार। तो गाइस यहाँ पर पेरेंट्स मीटिंग होती है खत्म, सारे पेरेंट्स जा चुके हैं, मतलब गए क्या है खड़े पीछे पर यार। अब तुम्हारा भाई को भी बोलना चाहिए यार, मतलब प्रिंसिपल को भी तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, मतलब क्लास टीचर हूँ यार मैं। तो गाइस यार मैंने मेरे लिए भी एक चुटकू वाला देखो यहाँ पर लकी बॉक्स मंगाया, कितना ज्यादा प्यारा है। और यहाँ इसलिए छुपा रखे कोई मेरे को बोले ना कि यार पेरेंट्स की चीजों के साथ क्या क्यों खेल रहे हो। तो चलो गाइस यार इसको अनबॉक्स करते हैं। 1 2 3 बूम बूम। ओ गाइस यार देखो मैं कितना बड़ा खतरनाक वाला स्पीकर मैन बन गया। भाई ये भी सही है। ओ भाई ओए ओए सॉरी सॉरी सर सॉरी। ओ यार मैंने यार अपने बच्चों के पेरेंट्स को उठा लिया। अरे सर 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 कहाँ जा रहे हैं सर? सॉरी सर गलती से हो गया सर, वापस आ जाइए। ओ सर मैं ओ सर सॉरी सर मैंने आपको गोदी में उठा लिया सर, बहुत सॉरी सर, आप यहाँ से जाइए वापस। ओ शिट, ओ मैंने मेरे बच्चे के पापा को फेंक दिया। ओ भाई मैं सही में बहुत ज्यादा बेशरम आदमी हूँ यार, सही में बहुत ज्यादा बेशरम आदमी हूँ। ओ भाई ये देखो तुम्हारे भाई ने गाड़ी फेंक के मारी कहाँ पर। भाई कितनी दूर गई वो गाड़ी सही में। भाई मैं तो सही में बहुत ज्यादा कमाल का हूँ यार, मैं कितना ज्यादा ओसम लग रहा हूँ यार। ओ गाइस यार आज तो मजा ही आ गया ये स्पेशल एडिशन वाले लकी बॉक्स खोल के। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मेक श्योर लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार भूले बैठ गए सब्सक्राइब कर देना, और हम मिलेंगे इसको नए गेम प्ले में। जब तक ले सायोनारा। We're just getting started.